हिंदी के विद्यार्थियों, नेताजी का चश्मा नामक इस पाठ के दूसरे भाग में अर्थात इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपने पहले भाग तक देखा, हालदार साहब सोचते हैं कि क्या बहुत बढ़िया अच्छा विचार है, आइडिया है कि मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते, किंतु चश्मा तो बदला जा सकता है। वो सोचते हैं कि इन्होंने जो चश्मा लगा दे बहुत आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जब मूर्ति कपड़े नहीं बदले जा सकते लेकिन चश्मा तो बदला जा सकता है, इसलिए शायद कोई दूसरा चश्मा लगा दिया होगा, उनका ऐसा कहना था। विद्यार्थियों, इस कहानीकार स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी नेताजी चश्मा के सारांश को और आगे निरंतर करते हुए, वास्तव में आगे जो हालदार जो इस चश्मा को बदलने का रहस्य जानना चाहते हैं कि क्या बात है कि ये मूर्ति में चश्मा क्यों दूसरा लगा हुआ संगमरमर का क्यों नहीं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आखिरकार हालदार साहब ने एक बार अपनी जीप रुकवा ली और उन्होंने चौराहे पर, क्योंकि वो अक्सर उस जीप के द्वारा, जीप में ड्राइवर हुआ करता था और जीप में उस कस्बे के चौराहे से अक्सर गुजरा करते थे, तो उस उन्होंने एक बार जीप अपनी रुकवा ली। उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि ये नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बार बार इस नेताजी के फ्रेम को, उस अर्थात चश्मे के फ्रेम को, चश्मे को बदल देता है। पान वाला मोटा सा बड़ा खुशमिजाज आदमी था, बड़ा हंसमुख स्वभाव का था, उसने बताया कि ये फ्रेम जो है, ये चश्मा का जो फ्रेम जो है, ये कैप्टन चश्मा वाला बदलता है, ऐसा उन्होंने बताया। और आगे कहते हैं पान वाले साहब, कहते हैं कि अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाए, अर्थात मूर्ति पर जो लगा चश्मा है, यदि किसी ग्राहक को, जिसे आप अपने अंग्रेजी भाषा में कस्टमर कहते हैं, यदि उनको अगर पसंद आ जाए तो वह चश्मा ग्राहक को देकर कैप्टन जो है मूर्ति पर नया चश्मा फिट कर देता है, अर्थात ग्राहक के मांगने पर उस चश्मा को दे देता है, मूर्ति पर कैप्टन चश्मा वाला दूसरा चश्मा लगा देता है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा, समझ में आ रहा होगा। और लेकिन वह सुभाष चंद्र बोस की उस मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देना था, कैप्टन चश्मे वाला जो है किसी ग्राहक के उस द्वारा उस मूर्ति पर लगे हुए चश्मा को मांगने पर दे देता था, बेच देता था, लेकिन उस मूर्ति में बिना चश्मे के नहीं रहने देना चाहता, मानो इससे उसे कोई चोट लगती हो, कि उसके जैसे दिल को छू जाती बात उसकी आत्मा को कचोटती हो। निश्चित तौर पर उसमें देशभक्ति की भावना थी। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। हालदार साहब ऐसे रोज गुजरते हैं उस कस्बे से, उस चौराहे से, कस्बे के चौराहे से, तब उनसे पूछते पान वाले से कि मूर्ति का जो ओरिजिनल अर्थात वास्तविक चश्मा वो कहाँ गया। तब पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर साहब, जो मास्टर मोतीलाल है, जो ड्राइंग मास्टर थे स्कूल में, वो तो बनाना भूल गए। तब हालदार साहब यह सुनकर द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उनका अनुमान सही निकला, यह मूर्तिकार सचमुच कस्बे का अध्यापक था। उन्होंने जो कहा, पान वाले जब बताए ठीक है, तो जब वो अनुमान लगाते हैं तो अंततः उनको पता चलता है तो ये मूर्तिकार जो है सचमुच कस्बे का अध्यापक था, ये उनको पता चल जाता, पता चल गया उनको, जिनका नाम था मास्टर मोतीलाल, ड्राइंग मास्टर। और वह एक महीने से कम के समय में मूर्ति
बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाए। एक महीने से कम समय में भी मूर्ति बनाते समय कुछ तय नहीं कर पाए। यह हो सकता असफल रहा होगा या चश्मा टूट गया होगा, क्योंकि पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा और वह निकल गया होगा। तो इस प्रकार से इसलिए उसमें वो चश्मा नहीं रह पाया, और कैप्टन चश्मे वाला जो बार बार उसको बदलता है। विद्यार्थियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि कैप्टन चश्मे वाले से किस प्रकार भेंट होती है हवलदार साहब की। अर्थात हवलदार साहब जो हैं कैप्टन चश्मे वाले को कब देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हवलदार साहब को यह सब विचित्र लग रहा था, ये रोज रोज का चश्मा बदलना। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा ली। जब फिर उस कस्बे से गुजरे, उस चौराहे में आए, पान खाए, तब उस पान वाले पास अपनी जीप को रुकवाते हैं और पूछते हैं पान वाले से, यह कैप्टन जो चश्मा वाला है ये नेताजी का कोई साथी था क्या? अर्थात कैप्टन चश्मे वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी था क्या, जो उसके लोग कैप्टन चश्मे वाले कहते हैं, या कोई आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था क्या? विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। तो वही पूछते हैं कि कोई आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही था, भूतपूर्व सिपाही था? इस प्रश्न पर पान वाला खूब जमकर हंस दिया और मुस्कुराकर बोलता है पान वाला, हालदार साहब को बोलते हैं कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, कहता है वो देखो आ रहा है, वो हमारे ओर ही आ रहा है, अब उसी से आप बात कर लो और उसका फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका, ताकि अखबार में उसका कहीं नाम आ जाए। ऐसा वो पान वाला जो है हालदार साहब से कहते हैं। विद्यार्थियों, नेताजी का चश्मा जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है, इस वीडियो लेक्चर के इस दूसरे भाग में यहीं तक, तीसरे भाग में पुनः मिलूंगा मैं आपसे। तब तक ले आप कोरोना महामारी से बचने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम। जय हिंद।